इधर हम डोल बजाते रहे, नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर को हड़प किया। किस किस्म की आलमी कुव्वत, आप तो इंडिया के सामने ढेर हो चुके हैं। ये बाद मोदी के एजेंडे पे तो ये चल रहे हैं, मोदी के हर एजेंडे पे तो ये गामजन है। पिछले डेढ़ साल के सिवाय दो तकरीरों के उसके अलावा क्या करके दिया है? ठीक है, क्या ये सब कुछ किसी और हुकूमत में मुमकिन था? मैं ठोक बजा के कहता हूँ नहीं। पाकिस्तान में राजनीतिक घमासान अपने चरम पर है। मोदी का यार कौन, गद्दार कौन, इन आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी है। पहले वहां की सेना तटस्थ रहती थी, पर अब इमरान खान का पक्ष लेकर एक पार्टी बन गई है। अब सेना को भी छीछालेदर का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में एक सर्वे हाल में ही कराया गया है, जिसमें लोगों ने खुलकर अपनी राय जाहिर की है कि वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने, जो अपने देश की सेना के खिलाफ बोला था कि सेना पर्दे के पीछे से सियासत करती है, अपनी मनमानी चलाती है और बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त है, वह सारी बातें सही हैं। आइए आगे सुनते हैं इस विषय पर क्या चर्चा पाकिस्तान की मीडिया में हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि नाजायज हुकूमत है, गैर आइनी हुकूमत है, किस तरह है सर? आप कह रहे हैं कि अवाम को हम जायज और आइनी हुकूमत देंगे, तो ये हुकूमत जायज और आइनी नहीं है सर? इंडिया आपके पड़ोस में मकबूजा कश्मीर कहां है? मकबूजा कश्मीर उस वक्त नरेंद्र मोदी ने दिल्ली का हिस्सा बनाकर हड़प किया जब इमरान खान ने वहां तकरीर की जनरल असेंबली में। इधर हम डोल बजाते रहे, नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर को हड़प किया। ये है पाकिस्तान आलमी कुव्वत। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, लेकिन इस एटमी कुव्वत होने के बावजूद मकबूजा कश्मीर इनकी हकूमत में इन्होंने अपने पॉलिसियों की वजह से वो नरेंद्र मोदी के हवाले किया। किस किस्म की आलमी कुव्वत, आप तो इंडिया के सामने ढेर हो चुके हैं। तुमने नरेंद्र मोदी के इलेक्शन में क्या कहा? तुमने कहा कि नरेंद्र मोदी की कामयाबी में मकबूजा कश्मीर की आज़ादी है। तुमने वक्त से पहले नरेंद्र मोदी को कामयाबी की मुबारकबाद दी। तुमने पाकिस्तान को किस तरह आलमी कुव्वत बनाया? आज आपने दो दिन पहले आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को गद्दार डिक्लेयर किया। उन कश्मीरियों को क्या मैसेज दिया जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरिया? पूरी दुनिया में जो कश्मीरी पहले हुए हैं, हमेशा अक्वामे मुत्तहिदा के दफातर के सामने, उन ममालिक की सफारत खानों के सामने वो एहतजाज करते हैं जब दिन आता है, लेकिन आपने उनको क्या पैगाम दिया? अब ये बताइए, आप अमरीका में बैठ के आपने क्या कहा? आपने कहा जो इल्ज़ाम नरेंद्र मोदी और भारत हमेशा पाकिस्तान पर लगा रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की पनाहगाह है, आपने अमेरिका में बैठ के क्या कहा? तुमने कहा कि अलकायदा को ट्रेनिंग पाकिस्तान ने दी, पाकिस्तान की एजेंसी का नाम लेके आईएसआई की, ये है आपने अहमियत दी, ये है अहमियत। आप ईरान में बैठ के आपने क्या कहा? आपने कहा कि दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ये तुमने नहीं कहा? जब ये तमाम चीज़ें एक लंबी फहरिस्त है, आपने कहा कि जब मैं आऊंगा कर्जा लेके कर्जा। सर इसको छोड़े, मुझे तो सर ये कर्जे को छोड़े, ये तो सबको पता है सर। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन अफगानिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी है। मैं तो ये कह रहा हूँ आप इसे नाजायज, इसलिए आपने आपने कहा कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को आलमी कुव्वत बनाएंगे, डेढ़ साल सुपर पावर, सुपर पावर आलमी कुव्वत, सुपर पावर। पाकिस्तान की पासपोर्ट का नंबर क्या है? किस नंबर पर है पाकिस्तान का पासपोर्ट? अफगानिस्तान और गालिबन कोई और मुल्क है, उससे उन दो ममालिक से ऊपर पाकिस्तान का नंबर है, यानी नीचे से तीसरे नंबर पर है। ये अहमियत तुमने दी पाकिस्तान को? आपने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के हवाले से जो बैन अलाक्वामी इंसानी हुकूक इदारा है उसमें एक करारदाद न ला सके, ला ना सके, पास तो क्या ला ना सके।
तो किस किस की अहमियत सर, जायज हुकूमत आप कह रहे हैं, मैं जायज हुकूमत दूंगा, मौलाना साहब कह रहे हैं, उसका जवाब तो दे सर, उसका भी जवाब देना, ये हुकूमत नाजायज है क्या, ये हुकूमत गैर आइनी है क्या? जिस जगह भी ये गए, इसीलिए उनको नाकामी हुई है कि 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन, मेरे भाई इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन था, इसलिए तो हम कहते हैं कि ये सिलेक्टेड हुक्मरान है, इनको आवाम ने वोट नहीं दिया है। अगर इनके पास आवाम के दर्द, आवाम की परेशानियों का कोई दर्द, कोई गम होता तो आज आवाम के लिए 2.5 साल में कुछ करते हैं। इसको पता है कि मुझे बिठाया गया है, इसने उनको खुश करना है जिसने उनको बिठाया है। खुद गर्ज हुक्मरानों ने एक गरीब आदमी के मरने पे भी 25,000 रुपए का टैक्स लगा दिया है कि या के गरीब आदमी सुकून से मर भी ना सके पाकिस्तान में। इस तरह के जालिम हुक्मरान, ये इन्होंने अपनी तकरीर का सौदा किया जो इन्होंने पिछले साल अक़वामे मुत्तहिदा में की, और ये बड़े ढोल की थाप पे नाचते जी के सिलेक्टेड वजीर आजम ने अपना हक अदा कर दिया, हक अदा कर दिया, कश्मीर बेच दिया और पाकिस्तान आके कश्मीर के वजीर आजम पर, जो पाकिस्तान के अंदर आजाद कश्मीर है तो उसके वजीर आजम के ऊपर इन्होंने गद्दारी का पर्चा ठोक दिया। तो इंडियन एजेंट तो ये है, भारत मोदी के एजेंडे पे तो ये चल रहे हैं, मोदी के हर एजेंडे पे तो ये गामजन है। ये हम स्टोन एजेस में रहते हैं कि आप ये आज की 20वीं सदी पे दुनिया कहाँ चलेगी, आपने पाकिस्तान के गरीब आदमी से रोटी छीन ली और ये आप सर्टिफिकेट हमें देते हैं गद्दारी का, हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आगे आपने सर्टिफिकेट बांटे तो पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, एक बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया। ये फिर आप नफरत का बीज बो रहे हैं, आप नफरत पैदा कर रहे हैं अदारों और अवाम के दरमियान, आप फासला पैदा कर रहे हैं। ये इमरान खान की सियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को महंगी पड़ रही है। ये जो सिलेक्टर सौगात लेकर आए हैं, इस सौगात को सूद समेत वापस ले जाएं अपनी बैरकों में, ये इस तरह की सौगात पाकिस्तान के अंदर नहीं। पाकिस्तान के जो हालात बन रहे हैं यह पाकिस्तान के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही हालात कुछ 1970 में बनना शुरू हुआ था, जब इस पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसके एक नेता स्वर्गीय शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ पाकिस्तान में बगावत और देशद्रोह का मुकदमा कायम किया गया था। फिर परिणाम क्या हुआ आप सबों को पता ही है कि पाकिस्तान विभाजित होकर बांग्लादेश नया देश बना। उसी प्रकार के हालात पुनः बनना शुरू हो गए हैं। पिछले 5 अक्टूबर को पाकिस्तान के एक थाने में कुल 40 लोगों के खिलाफ बगावत और देशद्रोह का मुकदमा कायम किया गया है, जिसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के वर्तमान प्रधानमंत्री राजा फारूक हल्ली हैदर और 3 सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी भी हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 1971 में एक व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह और बगावत का मुकदमा कायम किया गया था तो पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा, अब की बार 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा है तो पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बटने जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की सेना हमेशा से यह डीक हांकते रहती है कि आखिरी सांस तक, आखिरी सिपाही तक और आखिरी गोली तक वह भारत का मुकाबला करेगी, पर बांग्लादेश जब बना था उस समय पाकिस्तान सेना के 1 लाख सिपाही और उसके जनरल नियाजी के नेतृत्व में आत्मसमर्पण कर दिए थे। यह विश्व इतिहास की पहली ऐसी घटना है। यह सारा उथल पुथल पाकिस्तान की सेना का वहाँ की राजनीति में अनावश्यक दखलंदाजी का परिणाम है, पर सारा दोष भारत पर उसकी सेना और उसका राजनीतिक नेतृत्व मरते आ रहा है। लेकिन अब इसकी भी पोल खुलने लगी है जो नवाज शरीफ के भाषण में प्रकटीकरण हुआ। कहावत यह भी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और पाकिस्तान की बुद्धि आज विपरीत दिखने लगी है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।